अहम पूर्वोत्तर का प्रमुख द्वार और सात बहनों का प्राण केंद्र, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ये सपना है देश के स्वप्नदृष्टा नेता प्रगतिशील नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का भारत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। इस संकल्प को दृढ़ता के साथ साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हुए कल्याणकारी असम सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की है। 3 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 12 हो गई है। भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। विकास के इस अभियान में नए संयोजन है नौलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल। पूर्वोत्तर के विकास के लिए सदा प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व में केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से 3 मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हजारों जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इन मेडिकल कॉलेजेस में ओपीडी, आईपीडी सेवा के अलावा 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध होंगी। मॉड्यूलर टीचिंग, लेबोरेटरी मॉड्यूल, ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय ICU इन मेडिकल कॉलेजेस का हिस्सा है। हर एक मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 100 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। लगभग 616 करोड़ की लागत से 82 एकड़ जमीन में नौलबाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना है। इस मेडिकल कॉलेज से नौलबाड़ी के अलावा तामुलपुर, बक्सा, मंगोलडोई और भूटान सीमावर्ती इलाकों के जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इस तरह कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी रोगियों की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल 537 करोड़ की लागत से स्थापित यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिरांग, ग्वालपारा और भूटान सीमावर्ती के पिछड़े इलाकों की जनता के लिए भी एक आशा का प्रतीक है। मध्य असम के नौगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य की जनता के लिए अन्य एक आशीर्वाद है। कुल 70 एकड़ जमीन में इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। नौगांव के अलावा मोरीगांव, होजाय, गोलाघाट और कार्बी आंगलों की जनता भी लाभान्वित होंगी। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 3 मेडिकल कॉलेजेस को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया जा रहा है। स्वस्थ भारत का सपना साकार करने की दिशा में ये है केंद्रीय और राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम।